हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल. द नेम ऑफ माय चैनल इज़ गुड आइडियाज़ ट्रेंडिंग एंड आई एम आकृति. एंड ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड यू कैन सी आई एम अ लिटिल बिट नर्वस, बट प्लीज़ बेयर विद मी. आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू मेक वीडियोज़ एंड हाउ टू like handle things in this area. And मैं ओमान में रहती हूँ. आई एम एन इंडियन. मैं दिल्ली से हूँ इंडिया में, बट आई एम स्टे इन ओमान. एंड इट्स बीन लाइक 10 years, मोर देन 10 years नाउ कि हम लोग ओमान में रहते हैं. आई हैव बीन वर्किंग ऑल दीज 10 years एंड मैं ऑफिस जाती थी, जॉब में थी. But recently, like 1 month back, I resigned from my work and we'll talk about it some other day, why I resigned and everything. But as of now, main ghar pe rehti hoon. I have a lot of time in my hand and it has been on my mind since last few days ki why not to start vlogging, why not to start capturing my life in these in the कैमरा. वाई नॉट टू डू इट? क्योंकि अगर ये सब चीज़ें रहेंगी इन फ्यूचर वेन वी आर ओल्ड और वेन वी आर ग्रोन, आपके साथ मैं शेयर करूँगी DIYs, आपके साथ मैं ऑर्गेनाइजिंग वीडियोज़ शेयर करूँगी, ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, हैक्स शेयर करूँगी, सम फन कंटेंट, कुछ समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, बिकॉज आई लव टू ट्रैवल. ट्रैवलिंग ब्लॉग्स शेयर कर सकती हूँ, रेसिपीज शेयर करूँगी. आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग. सो तो चलिए आज शुरुआत ऐसे की जाए कि मैं आपको अपना हॉल दिखा देती हूँ. छोटा सा घर है मेरा. इट्स जस्ट अ 2-bedroom फ्लैट विद अ हॉल. सो इट्स अ रेंटेड अपार्टमेंट हेयर इन ओमान. सो आपको आज अपना हॉल दिखा देती हूँ. एंड इन फ्यूचर प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाहेंगे, व्हाट वुड यू प्रेफर. एंड कुछ और भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ बताइए. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द डोर विच लीड्स अस टू द हॉल. यू कैन सी आई हैव केप्ट अ वास हियर, आई हैव केप्ट सम प्लांट्स हियर. इट सीम्स It's lucky to keep these plants at the entrance of your door. So I've kept some plants here. And then as we enter, this is the overall look of my hall. It's a tiny small space and glance mein aapko thoda bahut dikha rahi hoon. This is how it all looks. And यहाँ पे एक छोटा सा light related एक stand है, like इसमें light जलती है. When I'll switch it on, it'll lit. I'll show you that someday. And ये एक cupboard है जिसमें different souvenirs हम लोगों ने रखे हैं. जहाँ पे भी travel किया है वहाँ से कुछ कुछ छोटे मोटे सोवनियर्स लाके इसमें रखा हुआ है. आई कैन शो यू फ्यू थिंग्स क्लोजली, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ लाफिंग बुद्धा. इट्स दिस आई हैव परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली. कनॉट प्लेस में एक शॉप है सोवनियर्स की, वहाँ से ये लिया है. एंड ये आईफिल टावर है, दिस वी हैव गॉट फ्रॉम पेरिस. हम लोग 3 years back, I think 2 years back, we had gone to Paris. So ये वहाँ से लिया हुआ है. And ये एक छोटा सा Tbilisi से related एक souvenir है. ये हमने Georgia गए थे तब वहाँ से लिया है. And this is Ibiza, Tower of Ibiza. ये भी हम लोगों ने travel में ही Italy में travel किया था कुछ साल पहले, ये वहाँ से लिया था. ये बेल है, द फेमस
स्विट्ज़रलैंड की बेल जो रहती है विद अ बुल ऑन इट, सो ये वहाँ का सोविनियर है. एंड दिस इज़ फ्रॉम जयपुर, चौकीधानी गए थे हम लोग, ये वहाँ से लिया था चौकीधानी से. आई होप मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट जयपुर का फेमस चौकीधानी. एंड कुछ और भी सोविनियर्स हैं. ओके, दिस इज अगेन फ्रॉम रोम, दिस इज द कोलोसियो फ्रॉम रोम. ये तो यहीं ओमान से ही होम सेंटर से लिया है. एक मोर है, एक सुंदर सा पीकॉक है एक्चुअली. एंड दिस डॉल हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट. बेसिकली दिस इज माई डॉटर्स फर्स्ट बर्थडे केक के ऊपर ये डॉल थी. दिस वॉज ऑन द केक, डेकोरेटेड ऑन द केक. सो आई हैव केप्ट इट एज अ मेमोरी. नाउ शी इज गोइंग टू बी 9, बट आई सी इसका बाजू, ये हाथ भी टूट गया है यहाँ से, बट स्टिल आई हैव केप्ट इट एज अ मेमोरी बिकॉज दिस रिमाइंड्स मी ऑफ हर फर्स्ट बर्थडे विच वॉज वेरी वेरी स्पेशल. And here, this is again from Jaipur. It's a small clock, like marble ka hai. Ye bhi Jaipur se hai. There are few mugs from Amsterdam. And yahan pe, ye bhi Jaipur se hi liya hai. We often, whenever we go to India during our vacation, we stay in Delhi in India. So, wahan se Jaipur bahut paas rehta hai. So, we often go to Udaipur, Jaipur and Jamshedpur and these places. जैसलमेर और ये सब, ये वहाँ की चीज़ें ली हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट. दिस इज़ फ्रॉम लंदन, दीज आर द सोविनियर्स. वहाँ का फेमस द टेलीफोन पोस्टल एंड पोस्टल पोस्ट बॉक्स, ये वहाँ का फेमस सोविनियर्स हैं. एंड दिस इज़ बुर्ज खलीफा, दिस वी टुक व्हेन वी वेंट टू दुबई, ये वहाँ से लिया है. एंड सम ऑफ द फैमिली पिक्चर्स एंड दीज आर फ्रॉम एम्स्टरडैम. ये जो शूज़ हैं, छोटे छोटे सोविनियर्स हैं शूज़ के, ये देखिए बहुत ही क्यूट हैं. देखिए देखिए, दीज आर वेरी क्यूट सोविनियर्स फ्रॉम एम्स्टरडैम. एंड सम मोर स्टफ लाइक दिस एरिया इज़ वेयर वी हैव केप्ट द शिप्स, जहाँ पे बोट या शिप, जहाँ जहाँ, ये ओमान का है. वी स्टे हेयर इन ओमान, सो ये यहाँ का, we have a big coastal area here, beach hai. And friends, next to this cupboard I have kept there's our television and there's a small TV showcase, or you can say a place where we have placed our music system, our this stereo and a few pictures and just basic stuff just to make this area a little cozy. And next to it I have placed a candle stand. I'm very very fond of candles, so jab bhi acha lagta hai, jab bhi evening ka time rehta hai ya kabhi time ho hamare paas, to we lit the candles around the house and it really looks pretty. And ye jo buddha hai, ye bhi maine Thailand Bangkok se liye the, I think. यस, वहीं से लिए थे, फ्लोटिंग गार्ड मार्केट से ही लिए थे ये भी. एंड ये गिफ्ट है, ये जो एलिफेंट्स का सेट आप देख रहे हैं, बेबी एलिफेंट, मामा एलिफेंट एंड डैडी एलिफेंट, ये गिफ्ट दिया है मेरी फ्रेंड ने मुझे. एंड आई थिंक इट्स अ पीस ऑफ आर्ट फ्रॉम समवेयर इन फ्रॉम नॉर्थ, आई थिंक फ्रॉम उदयपुर से ही दिया है, शायद जोधपुर से दिया है आई थिंक. Just a candle stand. Next to it I have my beautiful money plant. ये बहुत ही पसंद है मुझे ये plants. Not only this plant, all the plants. I'm really fond of plants. I have one more here, you can see. यहाँ पे भी मैंने कुछ ये मटके रखे हैं जो मेरी daughter ने खुद color किए हैं. These are some pots, small pots. Which she purchased from pottery का जो shop रहता है वहाँ से, and उसने color किया है इनको and मैंने इनको यहाँ लगा दिया इस corner को थोड़ा personal touch देने के लिए. and ये मैंने एक money plant रखा है with the ladder so that
स्किन क्लाइम लाइक आराम से शूट्स इसके ऊपर जा सके. सम बकेट्स स्मॉल स्मॉल यहाँ पे भी कभी कैंडल लगा सकते हैं या फिर कुछ जस्ट फॉर गिविंग इट अ सम कलर इस एरिया को. एंड दिस इज़ माई बैल्कनी एंड देर आर सम मोर प्लांट्स देर विच आई विल बी शोइंग यू इन माई अपकमिंग वीडियोज. दिस इज़ माई लाइक हॉल में जो बैठने के लिए सोफ़ा रहता है ये वो है. एंड ये सोफ़ा है. यहाँ कुछ बीन बैग्स हैं जो कि कभी गेस्ट आते हैं तो इफ दे सिट ऑन द सोफ़ा वी सिट ऑन द बीन बैग जस्ट टू बी कंफर्टेबल. एंड देयर इज़ अ पीस लैम्प पीस दोनों तरफ से लैम्प शेड हैं थोड़े बहुत. ये एक पेंटिंग है ये मैंने दिल्ली से परचेज़ की है. दिल्ली में आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट दिल्ली बाज़ार मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उस जगह का नाम जो बहुत फेमस है दिल्ली में. दिल्ली बाज़ार ही है शायद नाम. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट मैं ज़रूर बताऊँगी. मेरे हस्बैंड को याद होगा मैं उनसे पूछ के बताऊँगी. एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत ये फ़ोन एंड द वाईफाई मॉडर्म एंड स्टफ वी हैव केप्ट सम मैगजीन सम बुक्स टू बी रेड कभी पढ़ते हैं तो ये दैट्स द सेंटर टेबल. एंड दिस इज़ अ वॉल ऑफ लव एंड मेमोरीज. बहुत सारे पिक्चर्स रखे हैं बहुत सारे फ्रेम्स रखे हैं. आई लव दिस कॉर्नर ऑफ माई हॉल द मोस्ट बिकॉज किसी भी पिक्चर को देखती हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं. एंड आवर डाइनिंग टेबल या आई वॉज हैविंग सम वाटर एंड आई मेड दिस डिटॉक्स वाटर एंड आई वॉज हैविंग इट. इन केस यू वॉन्ट टू नो अबाउट इट लेट मी नो मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी. एंड यहाँ पे डाइनिंग टेबल है विद सम चेयर्स एंड सम बेसिक स्टफ लाइक सम फ्रूट्स एंड शुगर एंड सॉल्ट पेपर जस्ट बेसिक फूड स्टफ जो चाहिए होता है ऑन द टेबल. दिस इज़ एन इंसेंस स्टिक कभी मैं खुशबू के लिए इसको लाइट कर देती हूँ एंड अच्छी स्मेल रहती है हॉल में. एंड दिस इज़ माई क्रॉकरी कबर्ड सम ऑफ द अवार्ड्स रिकग्निशंस विच वी हैव गॉट ओवर द टाइम. ये क्रॉकरी कबर्ड है इसको कभी सेपरेटली बताती हूँ इसके बारे में बिकॉज द अदरवाइज द वीडियो विल बी वेरी वेरी बिग. एंड दिस इज अगेन सम पेंटिंग्स सम फ्रेम्स सम पीस ऑफ आर्ट. और ये छोटा सा ड्रीम कैचर है जस्ट मैं अभी बैठी थी तो आई जस्ट केप्ट इट ऑन अदरवाइज यूजुअली ये रात को ही ऑन करते हैं. मैं अभी बैठी थी तो आई डोंट नो मच अबाउट द बैकग्राउंड एंड ऑल सो आई जस्ट लिट इट ऑन इसको ऑन कर दिया. बट अदरवाइज तो ये दिन भर ऑन नहीं रहता है इसको रात को ही ऑन करते हैं. कभी कभी वीकेंड्स पे व्हेन वी जस्ट मेक द हॉल लाइक कैंडल्स लगा दो पूरे हॉल में एंड ड्रीम कैचर लगा दो साइड लैम्प्स लगा दो इट रियली लुक्स प्रिटी. सो दैट्स इट and that's all this my daughter has done. She stuck some luminous kuch stars and all. To ye bhi raat ko jab lights band hoti hain ya kam dim light hoti hai to ye shine karte hain to ye to uska kaam hai. So that was the tour of my hall friends. I hope aap log ko acha laga hoga. Aap log mujhe bataiye aapko kaisa laga. Acha laga to please is video ko like kar dijiye और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. लेट्स मेक दिस दिस अ लाइफ टाइम बॉन्ड. और ऐसे ही जुड़े रहिए. मैं जो भी फ्यूचर में जो भी शेयर करूँगी आपके साथ आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल एंड इट विल बी प्रोडक्टिव. एंड बताइए मुझे कि आपको अगर कुछ पूछना है मेरे से या आपको किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं या सिंस आई टोल्ड यू कि मैं व्लॉग्स भी करूँगी मैं ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ भी पोस्ट करूँगी रेसिपीज़ भी कुछ पोस्ट करूँगी जो एंड आई एम अ मॉमी ऑल्सो एंड जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी जो भी आप पूछना चाहें बताइए मुझे आई शेयर इट ऑल विद यू. एंड
That's all. Let's bring some happiness in our lives. Let's be connected. Let's be friends. And let's make the world a better place. And let's live for today. That is the quote which I love the most. Ki live for today. Aaj ke liye jiye, kal ka kuch pata nahi hai. One moment we are here and the next moment we don't know what's going to happen. So हम इतना planning करते रह जाते हैं, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, कैसे करेंगे, but हमेशा वो possible नहीं हो पाता है, because I have seen in my personal life also that one moment everything will be all right and the very next moment life will be upside down, life will be totally changed. So let's live for today. I believe in that quote and let's do that and खुश रहिए. चलिए फिर मिलते हैं. Till my next video. All the best, take care and please subscribe, please like this video, motivate me, मुझे बताइए कि आपको अच्छा लगा हो, मुझे तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे एंड मुझे सब्सक्राइब करेंगे. प्लीज़ डू दैट, दैट विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. बाय बाय.